Assalamu alaikum everyone. Please. Today we are going to have a talk on interfaith harmony in Pakistan. Our honorable speaker is former Bishop of Pakistan, Ramal Munawar Shah. He's a preacher and he stresses on interfaith harmony, and he believes that all women are equal, which is irrespective of their religion and their professional discriminations. So without any delay, I would like to call him and will request him to come forward and begin the discussion. That is such a joy, privilege. This is my, I think, third visit to Lums, or har baar mujhse na nahi hoti, because this is such a privileged place. So, aap bhi bore abhi tak to nahi hue, because jab bulana band kar denge, this means ke bore ho gaye mujhse. So you keep on calling, which is nice. Or subject bhi, it's same old thing, although the audience changes, because ye इसका कोई केमिस्ट्री का फार्मूला तो नहीं है ना कि हमने हल कर लिए. दिस इज अ ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन फार्मूला, जो कि गाड़ी चलती रहती है. इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट कीप्स ऑन गेटिंग बेटर, इट कीप्स ऑन गेटिंग बैड, एंड वी स्टिल हैव टू. आई डू वांट टू इंट्रोड्यूस माय वेरी डियर फ्रेंड, जिनके जरिए से ये मुझे मौका मिलता है. Like he is a local hero in these relationships. तो अभी कल के परसों कल हाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा सेशन हुआ, where he was the speaker. So he is the senior most priest, जो हमारे आठ डिस्ट्रिक्ट हैं चर्च, हमारे चर्च की ब्रांच. ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आई वोंट टेक यू इनटू इट. तो जैसे आपके फिरके और आपकी जमातें हैं, इसी तरह हमारी हैं. और ये जो पूरे पाकिस्तान में कराची से पेशावर तक आठ डिस्ट्रिक्ट कह लें, सूबे कह लें, जो मर्जी, उनका हेड होता है बिशप, और उनके साथ होते हैं, आइए सर, उनके साथ होते हैं पादरी हजरात, मौलवी टाइप, एंड दे यूजली आर पीपल हु आर इन चार्ज. And he is the senior most Maulvi for this area. Thank you. Thank you. अब वो उनके साहबजादे हैं, वो FC यूनिवर्सिटी के MPhil हैं. तो आजकल इधर उधर जाके मार रहे हैं. The time will come. जा कुछ आगे और हो. Thank you so much. Do Thank sit you, down. Mr. Thank you. What would you prefer for me to sit down? Yeah. ऐसे ऐसे थोड़ी आदत बनी होती है बोलने की. I'll rather do it this way. तो अच्छा ओके 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 ओके. तो लैंग्वेज वाइज क्या फीलिंग है मेरी, जो असल मिक्सचर है ना वो इंग्लिश और पंजाबी की है. और पंजाबी यहाँ बोलो तो लोगों की बेइज्जती हो जाती है, कहते हैं जी ये देखो ये तो होर कोई जबान ही नहीं आती पंजाबी बोलते. और मुझे इतना इस बात पे दुख आता है, वी आर अबाउट 150 million पंजाबीज इन द वर्ल्ड, एंड अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी पंजाब इज द ओनली वन जो अपनी इस मादरी जुबान से शर्माते हैं. जी गला करन डे वो तो दूजा बंदा आ जाएगा एकदम, या अंग्रेजी बोलेंगे या उर्दू बोलेंगे. आई पर्सनली डोंट लाइक इट, लेकिन दैट्स द वे द सिस्टम इज. एंड एनी हाउ वो जो अगर पंजाबी के मिक्सचर आए तो आई होप यू वोंट माइंड कि मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा. बेटे जी ये जो सब्जेक्ट है दिस इज an ongoing and it's eternal, and ek economic mere
मेरे फूफा एट वन टाइम गॉर्डन कॉलेज पिंडी के प्रिंसिपल होते थे इकोनॉमिक्स के था वो इंडियन बैकग्राउंड मतलब पार्टीशन से पहले लेकिन मतलब हमारी तरह पंजाबी टाइप नहीं था लेकिन उसकी जो सोच और ये बातें बड़ी ऑकवर्ड होती ये ख़ास तौर पर ये जो शेख रशीद है ना ये उनका बहुत बड़ा चेला होता था तो उनसे मैं अपनी आई स्टार्टेड माय स्टडीज देयर तो घर में रहता था फूफू के साथ एंड आई स्टिल रिमेंबर द वर्ड्स इन इकोनॉमिक्स यू डोंट चेंज द क्वेश्चंस यू चेंज द आंसर्स सवाल वही रहते हर साल पावे पिछले साल का पर्चा रिपीट हो रहा है लेकिन जो आंसर हैं वो हर दिन बदलते एंड इन अ वे आई वुड से दिस इज द स्टोरी हियर के जो बेसिक टॉपिक है बेसिक सवाल है वो वही है लेकिन द आंसर्स कीप चेंजिंग बेटे जो मुझे टॉपिक दिया गया ये जो थोड़ा सा लिखा भी है द फ्यूचर ऑफ इंटरफेथ हार्मनी इन पाकिस्तान एंड कॉमे के बाद है यूनाइटिंग आवर डिफरेंसेस जो यह आपने बड़े अच्छे तरीके से लिखा है फॉर हार्मनी I think in order to wrestle with this question, सबसे जो बुनियादी wrestling है जो कि हम यहाँ नहीं कर रहे how do we define our native land, our beloved land called Pakistan? ये एक बहुत ही paramount question है fundamental question है कि पाकिस्तान एज ए कंट्री एज ए मुल्क इसकी क्या हकीकत है और ये आज तक क्लियर नहीं हुआ ठीक है मतलब ये जरूर हुआ है कि अगस्त 47 में हम नया मुल्क बना आजाद बने अपना गोरे ने ला के काटे मार देते तुसी उठे तो तुसी उठे तो तुसी उठे ठीक है और बेसिक क्राइटेरिया वॉज के जी मुसलमान एक साइड पे ज़्यादा रहे लेकिन उनके साथ दूसरे भी थे ये नहीं था कि सिर्फ मुसलमान ही रहेंगे और साथ समथिंग अनयूजुअल हैपेंड द जॉइनिंग ऑफ बांग्लादेश एट दैट टाइम विच वॉज अनथिंकेबल कितने हज़ार मील दूर है लेकिन जोड़ दिया और 1956 में 23 मार्च को वी डिक्लेयर्ड इट द रिपब्लिक ऑफ इस्लाम बिल्कुल जायज चीज़ दुनिया में बहुत से मुल्क हैं जिन्होंने मज़हब का एक परचम लगाया उसे अडॉप्ट किया अब आप यकीन नहीं मानेंगे लीगली कैन यू टेल मी के इंडिया का क्या है ऑफिशियल मज़हब It's a secular state. Secular, yes, perfect. Legally, India is a secular state with a massive population of Hindus. और इसी वजह से हम अलहदा भी हुए थे लेकिन आपको पता है कि जो ऑफिशियली कहते हैं कि वो ये आ रहा हिंदू स्टेट वो कौन सी है हम सोच भी नहीं सकते नेपाल एक इतनी लाहौर जैसा शहर है नेपाल है दैट डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज हिंदू स्टेट मुबारक मुल्क सऊदी अरेबिया डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज अ मुस्लिम स्टेट इंग्लैंड में जो कि मेरा अडॉप्टेड होम भी है इंग्लैंड वहाँ पे जो चर्च है उसे स्टेट रिलीजन का टाइटल है लीगली ठीक है लेकिन उसका
उसका लीगैलिटी पे इतना भी इख्तियार नहीं। यहाँ पे जो एक अनक्लैरिटी आज तक है कि हमारे फाउंडर साहब फरमाते हैं 11 अगस्त 1947 को सब बराबर सब को खुले। आई पर्सनली डोंट रिपीट दैट फेमस स्पीच क्योंकि मुझे रोना ही आता है कि जितने नॉन मुस्लिम्स हैं वो उसे अपनी होली बुक की तरह रिपीट करते रहते। जो मुसलमानों कहते वो तो बाबे ने अपने दिना लिखिया से अपने ले it doesn't apply anymore. So the very definition of my country is still not clear. लेकिन इसका मैं आपको एक practical तजुर्बा बताता हूँ। वो practical मुश्किल ये है कि my मट्टी जो है शायद हजारों साल इस मट्टी से जाती है, हजारों साल, ठीक है। वलायत में आई लैंडेड अबाउट 50 years ago, 5 साल के बाद आई वॉज एंटाइटल्ड टू नेशनैलिटी, आई अप्लाइड, मुझे वहाँ की नेशनैलिटी भी मिल गई, ठीक। अब रोना मेरा ये है जैसे मैं रोता हूँ कि वलायत में 5 साल के बाद मुझे नेशनैलिटी मिल गई, अदालत में मेरा वही हक है जो 1000 साल के गोरे का। वैसे सड़क पे मैं काला हूँ, मैं पैकी, वो सारे तस्वीर सारी डिस्क्रिमिनेशन होती है, लेकिन अदालत में लीगली आई हैव द सेम लीगल राइट दैट 1000-year-old वाइट मैन हैज। यहाँ पे बेटे जो मेरी दर्द है कि 1000 साल दी मिट्टी, ये थे मैं जमिया, ये थे मैं पलिया, सब कुछ है, तो वेन इट कम्स टू सिटीजनशिप नथिंग एल्स, वॉट इज योर रिलेशनशिप विद द डिवाइन। और पता नहीं आपने कितना स्टडी किया है, कॉलम 2 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, 1 में तो सारे बराबर है, तो जो 7 वाला कॉलम है दे आर डजन्स हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स उसमें, देन फर्दर डेफिनेशन पर अगर तुम मुसलमान हो तो ये, तो अगर तुम नॉन मुस्लिम हो तो ये हकीकत है। बाकी मेरा जिंदगी का जो तजुर्बा है, प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन डज नॉट बॉदर मी, इट्स अ ह्यूमन सिन कहीं दुनिया में, एंड गॉड हैज गिवन मी दैट प्रिविलेज के दुनिया पता नहीं कितनी बार मैंने घूमी है, कहीं भी दुनिया में चले जो कहीं ना कहीं पकड़े जाते हो रंग काला। मैंने पहली बार मेनलैंड यूरोप में रेस रिलेशन पे कॉन्फ्रेंस अटेंड की साउथ ऑफ फ्रांस में, 2 मिनट लेट थे तो गेट ये दरवाज़ा बंद हो गया, अंदर स्पीच हो रही, तो एक मर्द अपना रोने रो रहा अपने, तो हम 2-3 नॉन वाइट ब्रिटिशर खड़े थे तो एक दूसरे की तरफ देख के इज वन ऑफ अस इज शेयरिंग अवर थॉट्स। बेटे जी दरवाजा खुला, ब्लॉन्ड हेयर समझते हैं ना, वाइट बिल्कुल गोरे के जो बाल होते हैं हमारे तरह काले नहीं, ब्लू आइड, अ यंग फिनिश मैन, फिनलैंड का, वो क्या रो रहा है कि ये जो स्वीडन है जो नेक्स्ट नेबरिंग मुल्क है वो हमारे साथ क्या बेहयाई करते हैं, दोज वर द टर्म्स ही वाज यूजिंग। उस दिन मेरी आंखें खुली कि सिर्फ स्किन कलर पे प्रेजुडिस नहीं, ये इंसान की एक अंदरूनी बीमारी है। और इसका इजहार बेटे जो मेरी पूरी जिंदगी का तजुर्बा है वो ये है कि इट गेट्स एक्सप्रेस्ड इन अ मेजॉरिटी
versus minority equation. जहाँ पे आप majority में हो तो ताड़ी सोच एक होंदी है, जिसे तुसी minority विच जो पावे किन्नी भी तानू तसल्ली दिती जाए ताड़ी सोच दूजी होंदी। और इसमें मैं बड़ी जाती बातें कर रहा हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दे, मुझे और इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं, ना किसी बात का खौफ, बिकॉज I'm born in this land, ये मेरा मुल्क है। मैं one of those very few people, and especially Christians, जो कि वलायत में रह के तो फिर 30 साल से मैं वापस हूँ और अपनी ज़िंदगी दी है जिस इलाके में। ऊपर आप लोग भी भाई जहाज पे भी नहीं जाते, KPK के सारी 20 years I was bishop of KPK, तो अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी और बड़े खुशी से रहे। लेकिन जो मैं मिसाल दे रहा हूँ वेरी पर्सनल, और लेकिन इट रियली एक्सप्लेन्स। मैं जब इंग्लैंड छोड़ा तो मैं वहाँ भी एक जमात का पादरी था, हीथ्रो के पास लंदन के हिस्से में, और वो बहुत बड़ा अपना एशियन अड्डा था। कभी आप लंदन गए आए हों तो साउथ हॉल बड़ी मशहूर जगह है, सिखों की प्रीडोमिनेंस है, पंजाबी मेजॉरिटी है, पर हिंदूज भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, गोरे भी हैं, हम भी हैं। वहाँ पे डोमिनेशन थी सिखों की और साथ हिंदुओं की, तीन तीन चार चार मंदिर और गुरुद्वारे। तो वहाँ पाकिस्तानी बैकग्राउंड के मुसलमानों को पता लगा कि यहाँ हमारा भी कोई पादरी आया पाकिस्तानी, तो मेरे पास आए मुसलमान पाकिस्तानी भाई कि सर जी सानू साढ़े बच्चों के लिए, अब ध्यान से सुनना, एंड इट्स नॉट अ मेड अप स्टोरी, आई हैव एविडेंस विद मी, कि जी सानू कुरान मजीद दे पढ़ाउन दे लई जिन्हों असी मदरसा आने हैं, वी वॉन्ट अ स्पेस, क्योंकि इंग्लैंड में ओपन स्पेसिस आपको पता बहुत थोड़ी होती है, यू हैव टू। यह जी मैं क्यों हॉल ने यार इतने बड़े जेड़े हर चर्च के नाल, ओ जी सर वेखो तो सिख जेड़े नो पूरा वीकेंड शराबा के अलावा और कुछ नहीं पीते, असी उत्थे कुरान मजीद नहीं पढ़ा, दे वर वेरी राइट। तो मैंने कहा वहाँ पादरियों को जब वो सर्विस में होते हैं तो घर बड़े अच्छे मिलते हैं, तो आई कुड सी 60 पीपल इन माई लिविंग रूम। मैं कहा ताड़ा घर है, मैं ताड़ा भरा है पाकिस्तानी, इनू घर में इस्तेमाल करो, बच्चों नू कुरान मजीद पढ़ाओ। नहीं जी ये ताड़ा खानदान मतलब तुसी फैमिली मैन जो ये है वो है इत्थे मुनासब नहीं हुए। तो मेरे विंडो चो इशारा करके मैं कह लगे ऐसा ओ उस कमरे के मुतल की ख्याल है, उन्हें उस कमरे की तरफ इशारा किया तो मैनू आते ने जिस तरह ठंडा पसीना आना शुरू हो गया, हवा निकल गई, बिकॉज दैट रूम वॉज पार्ट ऑफ द चर्च बिल्डिंग। और हर जिस तरह मस्जिद की एक तरह से तकदीस होती है, चर्च बिल्डिंग की भी, ये नहीं भी कि तो हॉल ला लेता तो चर्च बन गया, उसकी तकदीस होती है। तो वो तकदीस शुदा बिल्डिंग थी और वहाँ पे आई जस्ट कुड नॉट, अदर देन क्रिश्चियंस भी हमारी जात के हों, यहाँ तक रिस्ट्रिक्शन थी, तो किसी आम के लिए नहीं खोल सकते थे कि वहाँ जा कर वो अपनी नमाजें करें। ज़्यादा टालन दे ले क्योंकि मेरे पाकिस्तानी भरा सर टोटली ये भी नहीं से कर सकता भी दौड़ जाओ टालन दे ले, मैं क्या अच्छा चल मैं अपने वड्डिया नाल गलबात करन दा। आई वेंट टू माई बिशप, जूनियर बिशप, क्योंकि हेड बिशप पूरे लंदन का बिशप था, हु इज द थर्ड सीनियर मोस्ट रैंकिंग बिशप इन द होल चर्च ऑफ इंग्लैंड। मैंने वी हैव नेवर डन इट बिफोर, मैं कह यस
But I said, what does your faith say? They are visitors, strangers, outsiders, immigrants into your land. And in our preaching, we say, darwaze kholo. So, kaise honge darwaze? Baar sadak pe darwaze khulne. So we had a very good chat. Kehne laga, I'll let you know after a week. After ke baad mujhe kehta, Mano, my nickname from Munawar, Goron ko Munawar bada lamba lagta tha. To main Vlad pe to aapko pata hai har English naam ka ek nickname hota. Saade nickname hunde nahi koi papu, koi babu, koi kaka. The unna da nickname ove samajh nahi aundi. To mera Munawar se Mano bada acha milta tha. I let it happen. मैं कहा ये मनो बड़ा बढ़िया अब सारी दुनिया ने पता मनो ही कहती है मुझे तो कह लेगा मनो आई थिंक यू गो अहेड बेटे जी कैन यू बिलीव एंड आई हैव रिकॉर्ड 4.5 साल विच वर माय लास्ट 4.5 years इन दैट प्लेस मंडे टू फ्राइडे 5 to 7 PM 50 to 70 मुस्लिम Children, boys and girls would learn their holy Quran in a Christian church. Church premises. Premises, nahi ji. Church the building the vich. Yeah. Premises the baad di gal hunde. Aur ye 81 mein riots hue the London mein. Wahan pe unhone survey kiya ka. Us South Hall mashhoor area, wahan bhi aaye. I'm not a media man. I didn't want to show it off, but somehow they picked it up, and I'll show. They picked it, and it went on to the Times television. Us waqt ye 5,000 television channel nahi the. 81 mein 10-15 the. Times television pe saar. And there were comments like floods, both for and against. Why have you opened this door to Muslims? Oh, to A, B, C, wo ye, wo. 4.5 saal. Bete, kyun kiya maine? Ye mere iman ki majboori thi. That's what my faith teaches me. Ki strangers ki madad karo. Masih ne kaha. Mujhe ek ne kaha ki don't you know this is what they do to us in Pakistan? I said, should we take them as enemies, Muslims there? He said, yes. I said, but then Jesus made a big mistake. He said, love your enemies. Ab iska jawab do. Love your enemies. To, lekin uske opposite, wahan kyun kya himmat thi, kisliye iman to lehda hai, lekin security meri kya thi, ki yahan pe कब्जा नहीं होएगा आमिना मेजॉरिटी कल्चर उसके बाद देयर वाज अ टाइम आई यूज्ड टू कम्यूट एवरी 3 to 6 months बिटवीन पेशावर एंड लंदन एक विजिट पे आया तो मेरे पेशावर वाले ऑफिस के सामने फुटपाथ पे तीन नमाजी नमाज कर रहे और हमारे साथ 10-15 Muslim helper the staff pe. I didn't recognize those people. So ye 9/11 se pehle ki baat hai. Gate pe gatekeeper the routine wale. Maine unhe namaz khatam kar li to main gatekeeper ko bulaya. Main kahi ye kaun the? Staff tha ya koi bahar se tha? Aise sir ji bahar se wo aa gaye. Ab sune. Maine kaha if I see this happen again, you will be sacked on the spot. Bete, think about it. Andar se, I am bleeding, main ro raha hoon. Harami, wahan tune girja khol ke musliman din raat wahan Quran Majeed padte. Aur yahan unhone mujhse jaye namaz nahi mangi. Unhone ye nahi kaha ke hamare liye church kholo.
वो फुटपाथ पे बेचारे नमाज कर, लेकिन क्या डर था कि हफ्ता महीनाएं जो हो गया था, जब मूड हो गया तो कहने कहना नहीं जी ये तो अब मस्जिद है, हूँ तुम बाहर होवो, ये मस्जिद बन गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो मेजॉरिटी है, मैं माइनॉरिटी। मैं अगर मौका लगा तो आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा, या शायद अभी पढ़ दूँ। ये चंद साल पहले हफीज जलंधरी साहब, जो मुल्तान के बहुत बड़े एक लीडर हैं और फाकुल मदारिस के सेक्रेटरी था, उसे और मुझे, आई वाज ऑनर्ड के नॉर्वेजियन गवर्नमेंट इनवाइटेड उनकी 100 साल जुबली की, और उन्होंने हम दोनों को कहा कि आप आइडेंटिटी इशू पे थोड़ा सा दर्श दें। बट मैंने बड़ी वेरी पेनफुली आई रोट दिस पीस, लेकिन इस बात को ख़त्म करने के लिए मैं आई विल रीड दैट फॉर यू। एंड उस पे जो स्मॉल पैराग्राफ, I may appear to be a normal person, but actually I'm not. I happen to belong to a subspecies of Homo sapiens called the minority. I know not any other form of existence, even though I'm entering the twilight zone of my life here on planet Earth. I was born, I hope in a normal way, in my native land of what is now Pakistan. But I was labeled a minority because I happened to be born to Christian parents, and so was likely to continue in the same line of faith. As a young adult, having entered priesthood, Padri ban gaya main, I left for Britain, the land of our old colonial masters, with a childlike naivety. Naivety, I hope you understand, ki bachon di tarah sochan de hain, ki soch rahe hain? With a childlike naivety, that at last I'm going to become normal, as I will be living in a Christian country. But what do I get? A shock of my life to discover that I will remain a minority. This time, due to my race and ethnicity. I felt like someone who has nowhere to lay down his head and no land which he might touch and claim his own. Thus began my life's journey of self-understanding and introspection. I hope you understand that word. Apne aap ko andar se jhaankna, introspection. Searching for that elusive identity which might embrace me as normal. Tu theek hai, tu vilaj vi kabool hai, tu aithe apni mati ch vi kabool. My friends, the search continues. Ye maine bade personal aapko reference isliye diya hai that this is at the heart of it. ਇੱਥੇ ਐਸ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਈਸਾਈ ਨੇ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨੇ ਫਾਲਤੂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੱਟੀ ਇਸ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਮੈਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇਤਨਾ ਵਕਤ ਲਿਆ ਜਸਟ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਦੈਟ ਇਜ ਦਾ ਬੇਸਿਸ। ये जो इंटरफेथ कोई चाह पार्टी नहीं होंगी कि चलो फटाफट का, इंटरफेथ या फेथ जो है
That is the most personal thing, especially where you believe in it. Avalata ch chale jo, Europe ch chale jo, faith is no secondary. It's no more the issue. Lekin main kehta hoon, duniya mein jab main phirta hoon, we are fortunate. Ki main kab mere is subcontinent mein, jise main South Asia kehta hoon, hame khudaiyat ka ehtiram karna aata. Vilata ch ye gal muk gayi hai. तो जब ये इत्राम करना आता है, तो दूसरी तरफ बेटे मैं बिल्कुल ओपनली आपसे आज बातें कर रहा हूँ कि very often मुझे शर्म आती है ये बताते कि मैं क्रिश्चियन हूँ और मैं पादरी हूँ और मैं बिशप, क्योंकि गोरे you bastards, you religious people have corrupted the world. ये जो सलीब मेरे मजहब की निशानी है, मेरे ऑफिस की निशानी है, 20 साल पूरे ट्राइबल एरिया जितो वाइजाज भी नहीं उठ दे, आज तक किसी मुसलमान ने, किसी पठान ने, किसी ने ना मुझे कहे कि गले से उतारो, ना मेरे गले से खींची. ये सबसे बड़ी गुवाही देता. लंडन दी अंडरग्राउंड तो बहना थे, आजकल थोड़ा अजय यार ऐसा, क्योंकि हो सकता है आंधी होनी, चूंकि एशियन काला है अपने आप नू क्रिश्चियन बनाने की कोशिश कर रहा है. चल यार मैनू इतने की मैं शोभा दे कर. वेरी स्ट्रेंज दीस रियलिटीज. तो अब इशू फिर वही आता है कि पाकिस्तान में मुस्लिम्स आर मेजोरिटी, 95% plus are Muslims. Baki small minorities are mainly Hindus and Christians. Wo 4-5 ladte rehte is baat pe, but at the most 5-6%. Ab kidhar is kamre mein aap 90 plus ko ek paase khila do, 5-6 nu ithe khila do, what does it matter? लेकिन वहां पे इनिशिएटिव किसने लेना है कि नहीं यार वो भी हमारे क्लासमेट है या दोज ह्यूमंस मैटर, वो किसने लेना इनिशिएटिव जेड़े उथे 90 बैठे हुए हैं. ये मेजॉरिटी का इनिशिएटिव, माइनॉरिटी कभी भी उसका इनिशिएटिव नहीं होता, उसका जीना हराम होता है ना. क्योंकि इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ है कि नौकरियां सब तो आखिरी लाइन साड़ी, क्योंकि जी तुसी मुसलमान नहीं जो, या और कोई प्रमोशन आती है तुसी मुसलमान नहीं जो, दैट्स द वे इट इज, विच इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट. हम अपने मजहब की बेइज्जती करते हैं, दूसरी तरफ ऐसी मीटिंगों में आ हजरत या कुरान मजीद मुसलमान कह के थक जाते हैं, हम अपने यीशु मसीह और बाइबल सुना सुना के थक जाते हैं, असर किसे तो भी नहीं होगा. इट्स लिविंग इट आउट विच मैटर्स. मैं बहुत कुछ कहने को होता है, लेकिन लेट मी सम इट अप के देन व्हाट इज द सॉल्यूशन इन स्पाइट ऑफ दिस अनइवननेस, दिस डिफरेंस कि एक तरफ 5 है दूसरी तरफ 95 है यार. ठीक है, लेकिन चलो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखें, इट्स अ वेरी वेरी बिग इशू. अगर हमने मजाहब को बचाना है तो वी हैव टू शो देयर यूनिटी एंड पीस एंड होप गिविंग बॉडी, नॉट जेडे आपस एक दूजे वढ़ दे रहे हैं. And the sad history of religions is that we have been butchering each other in the name of religion, in the name of God, which is unforgivable. क्योंकि ये कौन सा खुदा कहता है कि और जदन को हाथा होगा जनाब चारों पास योवार नहीं जी कुरान में तो ये ऐसे नहीं लिखा, आज नहीं कहते बाइबल में ऐसे लिखा फलाना. ऐसी ऐसी वाज ऐसी करने जिदी को आदमी. लेकिन मैंने जो एक इंटरनेशनल
कॉन्फ्रेंस पे 9/11 के बाद एक दिल खोला था, सिंपल चीजें उठाई. द फर्स्ट सिंपल थिंग इज फॉर गॉड्स सेक लर्न टू रिस्पेक्ट ह्यूमैनिटी एंड ट्रीट द अदर्स एज अ ह्यूमन बीइंग. ऐसी नहीं समझते हूँ. अब क्रिश्चियन को ईसाइयों को अच्छे अच्छे घरों में मैंने नहीं ये चूड़ा है ये हाथ का पानी नहीं लगा मेरे हाथ का क्यों लाओगे. वह मैं कैम्ब्रिज से पढ़ के आया हूँ. आप में से कितने वहाँ कैम्ब्रिज के लेवल तक गए हैं. मेरे हाथ का पी लेंगे लेकिन वो जरा वो तो लेकिन आखन भी गंदे काम करते नहीं वो साई है. और बेहियाई यहाँ तक हो गई है कि कई बार ऑफिशियल जॉब्स के लिए न्यूज़पेपर में एडवर्ट्स आती हैं कि जी इस काम के लिए सिर्फ नॉन मुस्लिम काम कर. मेरे साथ एक बड़ा अजीब वाकया हुआ. मैं आम नहीं बताता लेकिन आप बच्चे हो. मेरी मिडिल बेटी ज़रा चार सौखी है तो वो हफ्ते में एक क्लीनर आता है. उस एक कंपनी के साथ डील है क्लीनर. As the luck would have it, at one time she was getting a Pakistani woman cleaner in her house in England, Oxford से 20 मील के फासले. वो थे टॉयलेट तो मैं सुबह से शाम तक आप अपने साफ करने वलायत में गई थे. तो जहर वो भी करती थी. मैं गया तो अब बेटियां तो अंग्रेजी के अलावा उन्हें तो उर्दू पंजाबी नहीं आती. मैं गया पता लगा पाकिस्तान में बड़े प्यार ना स्टाइल में उन्हें से हाथ रखे बेटी किधर से वो जेलम वाली सी. भाई कौन इतना मुझे इस बात की दुख हुआ. नेक्स्ट वीक शी डिड नॉट कम शी रिजाइंड. ये तो साइया का घर है तो पाकिस्तानी यदा प्यो है कुड़ी का. शी डिडंट वांट टू एक्सपोज हरसेल्फ के इतने ये भी टॉयलेट हाथ मार लेंगे. सो यू नो दीज आर सच अमेजिंग. तो बेसिकली बेटे बहुत कुछ मैं आई एम नॉट अ गुड राइटर बट जब मजबूरी हो तो मैं लिखता भी हूँ. यू नो आई रिटन क्वाइट अ बिट कॉमन के The basic formula for me is seeking the commonness of our humanity, of our God, and of our values. मेरे को यहाँ है एक सादी साथी बड़ी मजदा. ये UN में शायद मैंने देखी थी United Nations में entrance hall में. All people are members of the same body. Created from one essence. If fate brings suffering to one member, the others cannot stay at rest. You who remain indifferent to the burden of pain of others do not deserve to be called human. अगर तुम दूसरे इंसान की दर्द नहीं आती तो यू डोंट इवन. और किसने लिखा है साधे ईरान. और ये UN की बिल्डिंग में एटलीस्ट वन आई विजिटेड छपा हुआ. तो ये सिर्फ मतलब हमारे मौलवी पादरियों की बातें नहीं है. ये आलमों की ये सोच ऐसी. तो मैं मत उसमें बस यही कह मोटी मोटी बातें इसके साथ यही कहता हूँ. वट रोल कैन द रिलीजन प्ले इन द क्रिएशन ऑफ सिविल सोसाइटी. ये भी सोचा करो. वट आर द इशूज विद विच द रिलीजन मस्ट एंगेज इन टू चैलेंज ह्यूमन डिवाइसिवनेस एंड प्रमोट ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग. हाउ कुड रिलीजियस बिकम the conscience of the political and economic powers of the world. Aur aajkal bilkul nahi. Aajkal pe paisa. It's the economic values which matter politically.
and to the powerful. लेकिन ये ये साड़ी ड्यूटी होनी चाहिए. दूसरा जरा मैं अक्सर जिक्र करना है कॉमन गॉड. ये तो इन्नी तकलीफ होती है ना. नहीं जी, मुसलमानों का अल्लाह और है, ईसाइयों का और है, हिंदुओं का और है. बेटे जी, मैं इतनी फर्मली आपको कहना चाहता हूँ, जिस दिन दो खुदा मिल गए उस दिन खुदा है ही नहीं. वो हम खुदा की हकारत कर रहे हैं. कैसे उसके होते हुए एक और खुदा आ सकता है, आप बताइए मुझे. गॉड द ऑलमाइटी, अल्लाह मुबारक, वो दुनिया में सिर्फ एक ही और वो सबका है. हमारे रिश्ते बेटे फर्क, हमारे रिश्ते फर्क. मेरा रिश्ता कैसे है? मेरा रिश्ता यीशु मसीह की तालीम, उसकी जिंदगी, बाइबल की तालीम, मेरी मजहबी रवायात मुझे एक तस्वीर देती है अल्लाह ताला की. मैंने जेब में तो नहीं अल्लाह ताला डाला हुआ. आपका अल्लाह के साथ क्या रिश्ता है तो बताएगा मुझे, जिस तरह मैंने अपने मुतलक बताया. हाँ जी बेटे, जिंदगी एंड कुरान मजीद की तालीम और आपकी हदीस सारा. इसी तरह तीसरे का, इसी तरह चौथे का. और उसे आप महदूद नहीं कर सकते कि नहीं जी सिर्फ जो मैं देख रहा हूँ जिस सैनिक से उसी से सारे देखेंगे. इट्स ऑलमोस्ट इज लाइक अ प्रिजन जिसके रिफ्लेक्शन चारों तरफ. इन्हों क्यों समझें जो सानू मुश्किल होंगी. लेकिन अपना लगे रहना और ये तो इतनी जिंदगी मौत हमारी बन जाती है. मैं फिर कहता हूँ कि जिस दिन हम ये बात समझ ले, हाउ कैन वी एक्नॉलेज दी इसमें, हाउ कैन वी एक्नॉलेज दी सॉवरेंटी ऑफ गॉड ओवर अस ऑल. सिर्फ मुसलमान के उत्ते रूल नहीं है, ईसाइयों के उत्ते भी है, हिंदुओं के उत्ते भी है, सबका वो मालिक. हाउ कैन वी ब्रिंग टूगेदर आवर रिस्पेक्टिव नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द डिवाइन टू ऑफर अ वाइडर पिक्चर ऑफ गॉड. मैनू आ रब का तजर्बा है. दूजा कहे नहीं मैनू इंज, ये तो लड़ाई नहीं होनी चाहिए इस पे, और समझ खुलनी चाहिए. ये नहीं है कि तेरा खुदा झूठा है तो मेरा सच्चा, तो तेरा ईमान झूठा है तो मेरा सच्चा. इट्स टोटली डिफरेंट. और यही हमारे पास एक, हाउ कैन वी प्रोक्लेम आवर कॉमन गॉड फॉर पीस एंड जस्टिस. उन जाने ने जिस आप रब बंदा मारन लगे नहीं आखेगा, वो तो उत्थे दी उत्थे साड़ी सोच. फिर है कॉमन वैल्यूज. मैम रनिंग थ्रू किस तरह सी चीज़ों कह सकी कि यार लेट्स डू थिंग्स टूगैदर जो कि इंसानियत की भलाई के लिए हो, ना कि सिर्फ मेरी भलाई के लिए हो. कभी मतलब हमने सीरियसली सोचा है कि आज तक मैंने नहीं सुना कि मुसलमान, हिंदू, सिख या किसी ग्लोबल लेवल पे इन्होंने हाथ पकड़े हैं, कहा व्हाट कैन वी डू, व्हाट कैन वी डू टू प्रिवेंट एड्स, व्हाट कैन वी डू टू हेल्प एनवायरनमेंट. एक्चुअली इट्स अ बिग बिग इशू इन द वर्ल्ड. पाकिस्तान ऐसी नहीं परवाह करते, लेकिन यू नो शी इज़ अ 17 ईयर ओल्ड स्वीडिश गर्ल जिन्हें दुनिया हिला देती. व्हाट कैन वी डू, मेरा जो एक बहुत बड़ा बेटे इशू है वो डिसआर्ममेंट पे. बंदूका कौन बनाता है तो बम कौन बना रहा है? अमरीका तो रशिया से थोक के हिसाब ना पैसे दी कमाई होंगी. खरीदा कौन है? असि खरीदे.
और कभी हम रिलीजन वालों ने इकट्ठे हाथ पकड़ के कहा कि यारा स्टॉप मेकिंग दिस पॉवर्टी के लिए हम क्या करते ये इंटरनेशनल ट्रेड में जो बेईमानियां होती हैं उसमें कभी हमने हाथ लिए। तो ये आखिर में सिर्फ मैं आपके पास चार पॉइंट रखना चाहता हूँ जिसे मैं कहता हूँ मेरी मुँह सुनता कोई नहीं, जहाँ भी मैं बोलता हूँ नोबडी बॉदर्स, लेकिन आई रिपीट कि क्या एज रिलीजियस पीपल कैन वी मेक अ कॉमन चार्टर, और उसमें मेरी जो ख्वाहिश है दैट वी शुड सीक टू सेट अ काइंड ऑफ यूनाइटेड नेशन असेंबली ऑफ रिलीजियस बॉडीज। और कई बार मैं ना कि क़यामत तक नहीं हो सकना क्योंकि ऐसी एक आखिरी जो रिलीजन के नाम में इकट्ठी असेंबली थोड़ी सी हुई थी एक लेवल की, दैट वॉज इन 1890s इन शिकागो, उसके बाद आज तक नहीं हुए। दैट वी शुड सेट अप अ रिलीजियस ग्रुप ऑफ एमिनेंट पर्सन फॉर रिलीजन दे लीडरां नू 5-10 नू इकट्ठा करो, जिथे कोई लड़ाई झगड़ा फसाद हो रहा उथे उन्होंने भेजो यार सुलह करो उन्हें बचाओ। दैट वी शुड टीच अबाउट अदर रिलीजन आइदर थ्रू एक बिग इशू है पाकिस्तान। आई पर्सनली हैव टॉट अदर रिलीजन इन इंग्लैंड, इतने जनाब सवाल ही नहीं पैदा होंगे, इतने अपनी अपनी क्लास इतने ईसाई बैठ गए, इतने मुसलमान बैठ गए, इतने और जो साड़ी तशरी वे विल बी लर्न। एंड दैन जो वेरी इंपॉर्टेंट दैट अ बिल ऑफ राइट्स फॉर रिलीजियस माइनॉरिटीज अज तक नहीं बढ़े, बाकी सारे बिल ऑफ राइट्स बढ़ते रहते हैं लेकिन रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए आज तक दुनिया में नहीं बना। तो ये चीज़ें हैं जिनको अगर हम आगे बढ़ाएं तो आई स्टिल होप कि यस देयर इज होप। तो लेकिन अगर हमारा इंटरफेथ मीटिंगें यही है कि असी साडा मजहब चंगा है कि ताडा मजहब चंगा है, देन इट विल नेवर एंड। वी मस्ट हैव द कैपेसिटी एंड आई रिपीट माई सेल्फ as majority God has given you this gift, open your arms, open your relationship and receive people who suffer because of religion. Or maadi mota prejudice jisa main kya puri duniya ch hunda hai, lekin agar eh kya jaye ki tu is mitti ch to paida hoya lekin tu tera mazhab ki phir batayenge tu pakistani sahi hai ya nahi, isse मुश्किल बात क्या हो सकती। बेटे वी स्टिल हैव अबाउट 10-15 मिनट्स ओपन टू यू, पर को आप कहना चाहें व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंटरफेथ। हाँ या अब वही ना, तो प्लीज अब आप ये सब कुछ सुनने के बाद आपका क्या रिएक्शन है कि जी साहब बकवास है ना, वी कांट डू एनीथिंग, या इज देयर जैसा साहब ने कहा इज देयर अ फ्यूचर, क्योंकि लम्स में आना हमारे लिए प्रिविलेज है बेटे, एंड यू आर लकी टू बी हियर। यस बेटे, सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग सो मच इनसाइट इनटू दिस व्हिच इज रियली टॉक्ड अबाउट स्पेशली इन आवर कंट्री। सेकंडली माय क्वेश्चन इज दैट इवन आई एम टेकिंग इस्लामिक ज्यूरिसप्रूडेंस इन दिस सेमेस्टर। अच्छा, वेरी वेरी गुड। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट एंड हाउ वी कैन make an effort to reconciliate between them. Exactly. So sir, abhi to matlab ki even in the Muslim country we are not able to reconciliate between our religion. Matlab ki hamare religious jo sects hain. So I mean matlab even I think ki Christians ka bhi unke different sects wagera hain. Right, you are right. You are right. So I mean even if we make a council of different religions जहाँ पे मतलब के सारे मिलकर वो डील करेंगे डिफरेंट जहाँ पे इंटर रिलीजियस कोई मसले वगैरह होंगे, लेकिन उसमें फिर ये जो सेक्टर वाला फैक्टर है वो कहेंगे ये तो जी हमारे सेक्टर ये तो हमारे सेक्ट में वो डील ही नहीं करते, तो हाउ विल वी गो अबाउट। दैट्स अ वेरी वेरी रियल गुड क्वेश्चन एंड आई पर्सनली ऑनेस्टली फील देयर इज नो इजी आंसर टू दैट। लेकिन बेटे तुसी भी कुछ कह रहे कहो, लेकिन स्टिल द फैक्ट रिमेन्स दैट
देर इज स्टिल वॉइस. अब मिसाल के तौर पे चाहे आप उसे सुन्नी कहे या मुस्लिम कहे, लेकिन इट स्टिल कैरीज वेट. अल अज़ार कैरो वाला, इस वक्त समझा जाता है कि वो मुसलमानों की आवाज़ सुनने के लिए एकेडमिकली एंड इंटरनेशनली अल अज़ार कैरीज वेट, है ना. हमारे भी पोप साहब और इंग्लैंड के कैंटरबरी साहब, ये नहीं कि सारे एकदम उन्होंने मान लेंगे, बट इट कैरीज वेट. तो इसी तरह आपके भी वेट कैरी करने वाले हैं जो कि एटलीस्ट दीज थिंग्स कैन बी रेस्ड. तो दैट्स द वे टू गो अबाउट इट. अदर देन दैट देयर इज नो इजी वे कि जी सारे बह जाएंगे टेबल पे कहेंगे जी और करिए सारा सब. बट आई एम ग्लैड यू आर स्टडिंग दैट एंड यू आर थिंकिंग अबाउट दैट. हाँ जी बेटे. ठीक है बेटे. तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं उनको सपोर्ट नहीं करती कि इस तरह से, क्योंकि हमारा मजहब इस तरह से नहीं है. तो उनका हल क्या होना चाहिए, क्योंकि आप देखें तो उनके भी इतने ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं, उनको मानने वाले भी इतने ज्यादा बड़ी मेजोरिटी होती है. तो आप क्या देखें तो उनके साथ बंदा किस तरह से. बेटे जी, दोस थिंग्स विल नॉट बी सॉल्वड इन अ डे. द गुड एफर्ट मस्ट स्टार्ट. वो कैरेक्टर्स जो है वो इवेंचुअली वक्त के साथ दिल बिगिन टू सी कि नहीं देर इज़ मोर वैल्यू दे उधर कीमत. अब आपको क्या मैं बताऊँ, जो हम रोए और दुखी हुए उस वाक्य पे, जब क्या नाम था अमेरिकन का जिसने जिसने कुरान मजीद कुरान मजीद जलाया था, ठीक है. अब Can you believe the American president publicly invited him ke bloody hell don't do this act. Quran Majid ko tu jala raha hai, kis liye ho raha. To nahi mana usne kiya. Har ek ke apne pange hote hain. He wanted to make some kind of bad publicity for himself. Lekin mera jo comment tha, jab main America gaya to mujhse pucha gaya, मैंने कहा कि बजाय अब ऐसे करना था कि उसे कहना था कि अगर वो अमेरिकन फ्लैग जलाता है तो उसे वो, वो, वो उसे सजा मिल रही है. तो मैं शर्म नहीं आती कि अमेरिकन फ्लैग की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि एक होली बुक की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. लेकिन ये हुकूमतें भी बच्चे भोले बने जाते हैं कि जी वो प्रेसिडेंट कहता रहा उसने सुना नहीं, लेकिन अगर अमेरिकन फ्लैग वो जलाता था उनके कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें जानी चाहिए जो कि ये अवॉइड करते हैं. वो जो मतलब रिलीजन हैज नथिंग टू डू विद ऑल दिस स्पेशली इन द वेस्ट. ये जब आई वाज पुट ऑन द टेलीविजन इन डेनमार्क आफ्टर द जब आ हजरत के वो कार्टून बने थे, तो 5 मिनट का था. उसके बाद बेतुके सवाल जो आप मेरे से हुए, मैंने कहा शर्म नहीं आती यार, शर्म नहीं आती तुम्हें. एंड सिंस देन माई मैसेज इज लर्न टू रिस्पेक्ट द होली स्पेसेस. किसी की होली बुक है, किसी की होली. अब मेरे वतने अजीज में कभी सोचा भी नहीं था कि वो दिन आएगा कि हम मस्जिदों को और गिरजों को जलाएंगे और कत्लो गारत करेंगे. और आज वो बेहयाई हो रही है, मस्जिदों में भी हो रही है, गिरजों में भी. मेरी अपने बच्चे पेशावर का जब हादसा हुआ 5 साल पहले, सबसे इससे बड़ा पूरे पाकिस्तान में एक कम्युनिटी साथ नहीं हुआ. 22 सितंबर 2013 को 100 क्रिश्चियन मारा गया. वो मेरा चर्च था, मेरे लोग थे 150-200. अभी भी वो दोनों माँ बाप दे लॉस्ट. क्या खटा. एंड मैं आज भी कहता हूँ कि दैट वाज नॉट अ टेररिस्ट एक्ट,
it was something more sinister than that. मैं पॉलिटिशियन नहीं है पर मेरा एक अंदरों दिल में आंदा है कि नहीं है तो मगर ताकत से जड़े आंदे से साइयां ते अटैक करो अमेरिका नोटिस करेगा अपने डॉलर देने बंद नहीं करेगा इट वाज एज सिंपल एज दैट सर तुसी कुछ करो बस वो जो सवाल बच्चे ने किया ना ये मैं तो इसके बारे में बताना ये चाह रहा हूँ कि वो सिर्फ दूसरे की होली बुक के साथ ही ऐसा नहीं करते वो अपनी बाइबल की भी नहीं कदर करते हाँ पता है कदर के नीचे रख देते हैं बैठे होते हैं साथ नीचे रख देते हैं उनका कल्चर है वो हो गया वो तो है लेकिन बेटे आप यहाँ कोशिश करें अपने माहौल में कोशिश करें कि व्हाट कैन यू इवन एंड यू आर इन अ प्रीमियर इंस्टीट्यूशन ये आपको अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी गिफ्ट दी लम्स मुझे पता है कि ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज या हार्वर्ड का कोई निकला है तो अकल फिर जानती मुझे 5 years ago आई वॉज ऑल्सो ऑनरेरी विजिटिंग फेलो एट येल हालांकि अमरीका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं बट सम हाउ आई गॉट द चांस फॉर ए होल एकेडमिक ईयर लेकिन ये चीज़ा नहीं मुक ही गई नहीं ईमान दी कदर तो मुक गई तो फ्यूचर के लिए सर जरूरी है कि मुकालमा जैसे यहाँ पे डायलॉग होता है डायलॉग हो इसका इम्पैक्ट भी बड़ा हुआ है हाँ. वहाँ पे कोई ऐसी बात होती है तो सबसे पहले हम निकलते हैं इसके खिलाफ कि ऐसा वहाँ पे क्यों हुआ है हमारे मुस्लिम दोस्त जो हैं हमारे साथ इंटरफेथ पे काम कर रहे हैं चूँकि पहले मिसाइल का हाल होता था जंग फिर मनाजरा लेकिन अब जो बेहतर हाल है वो डायलॉग है इकट्ठे मिल के चलो तो इंटरफेथ डायलॉग की बड़ी अहमियत है और फ्यूचर भी इसका यही है कि हम इसी तरह मिलते रहे बैठते रहे गुफ्तगू होती रहे अपने ख्याल एक दूसरे के साथ बांटते रहे अपने अपने फेथ में दूसरे के फेथ का एहतराम करते हुए समझे अपने को भी और जो दूसरे का जितना समझ सकते पर रिगार्डलेस ऑफ दैट वो भी अल्लाह को मानने वाला आई थिंक अगर ये वाला को दूजा है वो भी इंसान है सारे काम सिद्ध हो जाएगा बाकी तो कपड़े भी फर्क बंदा अपनी मर्जी से पौधा तो रोटी भी अपनी मर्जी दिखाई दी जब तक इंसानियत की हम इज्जत और कदर करना नहीं सीखेंगे आगे नहीं बढ़ सकेंगे और कोई क्वेश्चन जरूर करें बुजुर्गों से तजर्बा है क्वेश्चन करें एनी क्वेश्चन नॉट अ क्वेश्चन बस जस्ट अ कमेंट व्हिच आई पर्सनली बिलीव इज के अदर देन के हम क्रिश्चियन और मुसलमान हैं हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें वन शुड ऑलवेज क्वेश्चन हिज और हर बिलीव मतलब कि अगर हम लोग जैसे अब हम पैदा मुसलमान हुए और हम सारी उम्र हमारा ये है कि हमारा जो कल्चर है वो ये कि जब जिस रिलीजन से आप पैदा हुए आप वी आर सो इनग्रॉस्ड इन कमर्शलाइजेशन और वो सारा वी डोंट क्वेश्चन आवर बिलीव्स इवन तो हर इंसान को अपने दिल में पता होता है कि उसका जमीन मलामत करता है और ये सारी बातें मेरा ख्याल है कि इंसान को खुद बेशक वो मुसलमान है क्रिश्चियन है उसको अपने रिलीजन को क्वेश्चन करना चाहिए और अपने बिलीव्स मतलब कि ही शुड सर्च फॉर इट ही शुड सर्च फॉर द रिलीजन तो मेरा ख्याल है उससे अगर जो वो सारा प्रोसेस है उससे भी आप यू गेट टू अंडरस्टैंड अबाउट अदर रिलीजन्स एंड हाउ टू रिस्पेक्ट अदर्स बिलीव्स बेटे जी मेरा एक लफ्ज है जो मोस्ट ऑफ माई क्रिश्चियन पीपल डोंट लाइक क्योंकि वी पीपल आर सो यूज टू के मूँह चूसनी पा दो रिलीजन दी हाँ जी बड़े चंगे मुसलमान बड़े चंगे साहिब बड़ा ऑल इज वेल ऐसे करो तो आ तुम मिल जाएगा तो आ रब तुम आ दे देगा दैट्स वॉट वी सेल वी पादरीज मौलवीज और जो थोड़े बहुत मैं पर्सनली फील कर रहा हूँ आई एम लेट इन माई 70s कि ईमान की कश्ती है Unless you sweat it out, constantly wrestle with yourself. ये नहीं कि आप अपना ईमान छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं but wrestle with your faith. और बाइबल मुकद्दस में जो कुरान मजीद भी मानते हैं बड़ी खूबसूरत एक वाक्या याकूब नबी का मुसलमान मानते हैं कि जिस जगह पे पहली जगह को उन्होंने खुदा के नाम पे उसकी तकदीस की उस बैत एल
खुदा का घर मतलब समझो उदो तो मस्जिद गिरजे नहीं सन उदो तो उन्होंने इबादत गाह होंगी सी बैतेल जगह क्या हुआ था कि यकूब नबी सारी रात ही वॉज फाइटिंग what God wants from him. Or I personally feel ke don't make religion as a lollipop. Ji apna mooch pa do khush kar lo baaza te hun sada baaza te inna zor hunda hai ode te paseena aa janda hai lekin how much of that is practical, how much of that is real, we do. And we use the political sermon as a political instrument as well. Sab mein hamari ek kamzor hai. To ye this wrestling, main apne masih ki baat karta hu, wo aakhri saans tak he was sweating, he was wrestling. Halanki ki nahi si ho karta jo aap bhi mante, lekin he was constantly wrestling, sweating it out his will. Te jehde ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚੂਸੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਮਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਰਲੇ ਲੱਖਾ ਹਾਂ ਤੋ ਸੋ ਬੇਟੇ ਜੀ ਦਿਸ ਆਪ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤੇ ਨਾ ਜੋ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਕਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੂੰ ਰਿਲੀਜੀਅਨਸ ਕਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਡਾਇਲੋਗ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੋ ਮੈਂ ਮਤਲਬ काफी इंटरेस्ट लेता हूँ और एफसी कॉलेज से भी मेरी स्टडीज है कंपैरेटिव रिलीजन के ऊपर बड़ा अच्छा लगा आज आप लोगों से मिलके और ये बातें शेयर करके और जो टॉपिक है कि फ्यूचर ऑफ इंटरफेथ हार्मनी मैं इसका बहुत स्ट्रॉन्ग एक बिलीव करता हूँ कि जो आप लोग हैं आज ये अटेंड कर रहे हैं आप सारे विटनेस हैं आप सारे वो लोग हैं जो फ्यूचर इंटरफेथ हार्मनी क्योंकि आप लोग आज इधर से सीखेंगे और बाहर जाके अपने अपनी जगह अपनी कम्युनिटीज अपने सोसाइटीज के अंदर जब ये चीजें डेवलप करेंगे तो और ज्यादा अच्छा ही होगी अभी तो ये स्टार्टिंग पीरियड है जो पीछे हो चुका लेकिन अब ये एक समझे मोड़ आ गया कि हम इम्पैक्ट मेकर हो सकते हैं इम्पैक्ट कर सकते हैं इस चीज के ऊपर तो जीश और लोग हैं आप सब स्टडीज कर रहे हैं तो बस आगे यही दुआ है कि इसको कंटिन्यू रखें और वेद के साथ जैसे बुजुर्गों ने कहा एक रेसलिंग है वो करते रहे और कॉमन जो चीजें रिलीजन्स के अंदर है मोरालिटी और एथिक्स वो तो सब सेम है डिफरेंसेस के ऊपर अगर आप लड़ेंगे तो फिर पाकिस्तान में रहते हुए वहां पे ही 2000 साल पीछे रह जाएंगे और तरक्की जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल जीरो तो बस आज के लिए मेरा यही कहना चाहूंगा कि Thank you, sir, for ending so nicely. And Vijay, thank you so much, one and all. And if ever you need us, in a very informal setting, lecture, you will listen to me every day. But I have a lot of short time. Informally, have conversation. And if we could be of any help in the future, please do use us. Okay, bitte.